Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss Langmuir adsorption isotherm. CSIR NEET के एक दी बात करें तो previous years में यहीं से question आया हुआ है, तो ये topic important हो जाता है. Surface chemistry का बहुत important topic है. Surface chemistry के यदि हम बात करें तो ये हमारा third video lecture है. यदि आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो subscribe जरूर कर लीजिए और पहले video lectures में देखिए. हमने प्रीवियस जो टू वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं सरफेस केमिस्ट्री के, वो भी इंपॉर्टेंट थे, बेसिक थे. लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम सीखते हैं. इसमें देखिए, एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमको बनाना है, लेकिन उसके पहले हमको एक डेरिवेशन सॉल्व करना है. और एक और बात कह दूं कि पॉस्टुलेट्स भी है कुछ लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के, तो वो पॉस्टुलेट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं. यहाँ पर थ्योरी है, थ्योरी में आपको एक साइट पर अवेलेबल करवा दूंगा, हमारी साइट objectivechemistry.com पर अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. देखिए, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लैंगमुइर के सारे पॉस्टुलेट्स में से एक पॉस्टुलेट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और वो पॉस्टुलेट ये है कि एडजॉर्प्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस. बस यहीं से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है. एडजॉर्प्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस. अब जब डायनेमिक प्रोसेस है तो यहां पर दो एक्शंस होते हैं. देर आर टू एक्शंस. आराम से समझा रहा हूं मैं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, और फिर हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे प्लॉट करेंगे. देखो, पहली एक्शन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन एडजॉर्बेंट, एक तो ये प्रोसेस है, और दूसरी प्रोसेस क्या है, डिजॉर्प्शन ऑफ गैस फ्रॉम एडजॉर्बेंट. ये है डायनेमिक प्रोसेस कि सेम टाइम पर एक ही सरफेस, उसी सरफेस पर कोई एडजॉर्बेंट गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब भी हो रहे हैं और डिजॉर्ब भी हो रहे हैं, मतलब सरफेस पर स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहे हैं. सेम टाइप पर डिजॉर्प्शन हो रहा है और उससे मॉलिक्यूल्स डिटैच भी होते चले जा रहे हैं. ये इक्विलिब्रियम में ये प्रोसेस हो गई. हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन आर इक्वल. क्लियर है, यहां पर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल हो चुकी है, तब इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है. अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ए मॉलिक्यूल नाम है, ए क्या है नाम यहां पर दे रहे, ए मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट और गैस भी, यहां पर मैं उसको कह सकता हूं गैस, ए मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट और गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन एम साइट ऑफ सरफेस और एडजॉर्बेंट. क्लियर है, मैंने क्या कहा कि कोई ए मॉलिक्यूल है जो किसी एम साइट पर, सरफेस की एम साइट पर एडजॉर्ब हो रहा है. ये देखिए, मैंने ये बना दी यहां पर सरफेस, ये सारी अनऑक्यूपाइड साइट्स हैं, और ये कोई मॉलिक्यूल है जिसका मैंने नाम दे दिया ए. अब ये मॉलिक्यूल इस साइट पर, जिसका मैंने क्या नाम दे दिया एम, इस साइट पर जाकर के एडजॉर्ब हो जाएगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है. मतलब ए और एम मिल करके एक एम लोकलाइज्ड एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर है, एम एक लोकलाइज्ड क्या है, जैसे ही एडजॉर्प्शन होता है लोकलाइज हो जाता है, लोकलाइज्ड एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स है ये. अब देखिए, यहां पर इक्विलिब्रियम में ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दो हमारे पास है. फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब एडजॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट मैंने क्या कह दिया, के ए, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन डिजॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट मैंने कह दिया के डी, रेट कांस्टेंट फॉर डिजॉर्प्शन, के ए रेट कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन. क्लियर है, ये दो बातें यहां पर.
अब देखिए ये जो एडजॉर्प्शन है किसी गैस का किसी सरफेस पर एडजॉर्प्शन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो ये कि प्रेशर कितना है गैस का, दूसरा ये कि सरफेस पर अवेलेबल साइड्स कितनी है। तो दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स यहां पर मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास प्रेशर है जिस पर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो एक प्रेशर ऑफ गैस, ये हमारे लिए क्या हो गया? पहला फैक्टर, इसको मैं क्या कह रहा हूं? पी ए। दूसरा फैक्टर है हमारे पास वेकेंट साइड्स ऑफ सरफेस। अब वेकेंट साइड्स ऑफ सरफेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लो। हम यदि ये कहें किसी अवेलेबल साइट का फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड को यदि थीटा कहें, क्या कहें? फ्रैक्शन ऑफ द साइट ऑक्यूपाइड को मैं क्या कह रहा हूं? थीटा कह रहा हूं। तो वेकेंट साइट का कितना फ्रैक्शन रहेगा? वेकेंट साइट, फ्रैक्शन ऑफ वेकेंट साइट, ऐसा लिख देता हूं, फ्रैक्शन ऑफ वेकेंट साइट को मैं क्या कहूंगा? वन माइनस थीटा कहूंगा। फ्रैक्शन ऑफ वेकेंट साइट अवेलेबल साइट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेकेंट साइट, वेकेंट साइट क्या हो जाएगा हमारे पास? मैं टोटल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। एन इज द टोटल नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल ऑन द सरफेस। ये टोटल नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स अवेलेबल ऑन द सरफेस हो गया हमारे पास, ठीक है। थीटा को यदि मैं कहूं तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल साइट्स। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, और इसी को हम कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड थीटा। जितना ऑक्यूपाई कर लिया है वो है हमारे पास थीटा। अब देखिए हमने जैसा कहा कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पर डिपेंड कर रही है? प्रेशर ऑफ गैस पर और वेकेंट साइट्स ऑफ सरफेस पर। तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट्स एंड प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये हमारा थ्योरेटिकली हमने कह दिया कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है? प्रेशर पर और अवेलेबल साइट्स पर, और डायरेक्टली उनके प्रोपोर्शनल हो गए। तो यदि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम आर ए कहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी ए इंटू एन इंटू वन माइनस थीटा में कहूंगा ये टोटल अवेलेबल साइट्स, और ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, एक कॉन्स्टेंट लगाऊंगा, दैट इज के ए, रेट कॉन्स्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन मैंने लगा दिया, पी ए इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास रेट फॉर एडजॉर्प्शन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन कह दिया। अब ये सब आप कॉपी करते रहना धीरे धीरे, मैं इसको यहां से इरेज भी करते जा रहा हूं। अब मुझे दूसरा क्या निकालना है? रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगी? प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी, वो तो सिर्फ ऑक्यूपाइड साइट्स पर डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्यूपाइड साइट्स ऑफ सरफेस। अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन को हम कह दे आर डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड को मैं क्या कहूंगा? एन थीटा हमारे पास क्या है? ऑक्यूपाइड साइट्स, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अवेलेबल साइट्स से। आर डी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दू, के डी हमारे पास क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर डिजॉर्प्शन एन थीटा। ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन जिसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। अब जैसा कि हमने कहा कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है का मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या है हमारे पास? इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि आर ए इज इक्वल टू आर डी। अब आर ए हमारे पास क्या है? के ए
into PA into N multiplied by 1 minus theta. जबकि RD क्या है हमारे पास? Is equal to KD N theta. ये हो गया हमारे पास. अब इसको भी नीचे से इरेज कर देता हूं मैं, साथ ही साथ थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा ये. अब देखो ये N और N तो क्रॉस हो जाएगा, इधर भी है तो क्रॉस हो गया. हमारे पास क्या बचा? KA into PA into 1 minus theta is equal to KD into theta. ये हमारे पास बचा. इस KD को इधर भेज देता हूं मैं, KA divided by KD. इसको मैंने ऐसा कर दिया. बाकी उधर कर देता हूं मैं, तो theta divided by PA into 1 minus theta इधर बच गया मेरे पास. KA divided by KD, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको मैं K से डिनोट कर रहा हूं. अब K इसकी जगह पर मैं रख देता हूं, ऊपर से भी अब इरेज करते जाऊं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है. आप अपने पास इसको ऐसा कॉपी करते रहेंगे. ठीक, K इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? थीटा डिवाइडेड बाय PA इंटू 1 माइनस थीटा, ये हमारे पास आ गया. यहां पर भी ब्रैकेट बंद करते जाना आप. PA को मैं इधर कर देता हूं, KPA इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा, कोई दिक्कत. इसको भी इनवर्स करना चाहता हूं मैं, अब इसको भी इरेज कर देता हूं मैं. इनवर्स कैसे करना चाहता हूं मैं? इसको 1 के अपॉन में लिखना चाहता हूं, 1 अपॉन KPA इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा, इसको ऊपर कर दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. 1 अपॉन KPA इज इक्वल टू, इसको 1 के अपॉन में भी थीटा लिख देते हैं, माइनस थीटा के अपॉन में भी क्या लिख दूं? थीटा. थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा. तो 1 माइनस 1 अपॉन KPA इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा माइनस 1. ये हो गया हमारे पास. ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा. KPA प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा हो जाएगा. क्लियर है? इसका एलसीएम ले लेते हैं हम. क्या आएगा एलसीएम? इधर साइड में अब करता हूं मैं इसको. एलसीएम क्या आएगा इसका? KPA प्लस 1 डिवाइडेड बाय KPA इज इक्वल टू इधर है 1 अपॉन थीटा. अब इसको हम क्या कर दे, वापस इनवर्स कर दें हम इसको, तो क्या हो जाएगा? ये KPA डिवाइडेड बाय 1 प्लस KPA लिख दूं इसको अब मैं, इज इक्वल टू थीटा. ये आ गया हमारे पास थीटा की वैल्यू. बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर अब हमको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या लेंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्रिएट करने में आएगी. इसको भी मैं यहां से अब जेंटली इरेज कर देता हूं. थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड उतना अच्छा नहीं है तो ये डस्ट ज्यादा देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूं. आओ इसको सॉल्व करते हैं. थीटा इज इक्वल टू KPA डिवाइडेड बाय 1 प्लस KPA. अब यहां पर मैं करना चाहता हूं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्रिएशन. कब? दो लिमिट्स लगाने पर, लो प्रेशर लिमिट और हाई प्रेशर लिमिट. लो प्रेशर लिमिट प्रेशर और हाई प्रेशर. लो प्रेशर पर क्या होगा? लो प्रेशर पर इस PA को और उसके साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू को हम नेगलिजिबल, इस पूरे टर्म को हम नेगलिजिबल मान रहे हैं. कब? लो प्रेशर लिमिट पर. तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? KPA. मींस इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में इस प्रोसेस का ऑर्डर क्या आएगा? 1 आएगा. मींस फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू PA. PA के रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है इस प्रोसेस का लो प्रेशर लिमिट पर. अब हाई प्रेशर लिमिट पर मैं ये कह रहा हूं कि 1 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. मींस KPA की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. यहां पर कर दो नेग्लेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू KPA डिवाइडेड बाय KPA बचेगा. KPA KPA से क्रॉस हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास? 1 बच जाएगा. मींस हाई प्रेशर लिमिट पर थीटा की वैल्यू ऑक्यूपाइड फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. इसका मतलब टोटल सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगी हाई प्रेशर लिमिट पर. एक बात यहां पर ध्यान देने की है, लेंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म सिर्फ मोनोलेयर पर काम करता है, मोनोलेयर फॉर्मेशन पर ही काम करता है, मल्टीलेयर फॉर्मेशन की बात करता ही नहीं है लेंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. तो इस यहां पर हाई प्रेशर लिमिट पर जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू PA,
पी ए के रेस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पर खींच रहा हूं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, किसके किसके बिटवीन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म खींच रहे हैं हम, ये हम खींच रहे हैं थीटा और पी ए के बिटवीन खींच रहे हैं। थीटा और पी ए के बिटवीन जब खींचूंगा, जब लो प्रेशर लिमिट है तो फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास, मीन्स जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज करते जाएंगे फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड ऑफ सरफेस इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हाई प्रेशर प्रेशर इंक्रीज इतना कर देंगे कि हाई प्रेशर हो जाएगा, वन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तब क्या होगा, प्रेशर का इंपैक्ट ऑन ऑक्यूपाइड सरफेस पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक हमको स्ट्रेट लाइन आएगी। ये कब आ रहा है हमारे पास, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, वन हो। ये कब आ रहा है हमारे पास, जब थीटा इज इक्वल टू के पी ए हो। यहां पर देखो, यहां पर बात समझने की है, ये इसका मतलब है कि मोनोलेयर कंप्लीट हो चुकी है। जब मोनोलेयर कंप्लीट हो जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज करने पर कोई फ्रैक्शन फिर ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये था लेंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इतना सीखने के लिए, इतना समझने के लिए हमको ये सब कुछ, ये थ्योरी और ये डेरिवेशन हमको पढ़ना पड़ा। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन, क्लियर है। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस पर ही अप्लाई हो सकती है, पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स पर ये अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक अलग से इक्वेशन है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वो अलग से पॉली एटॉमिक के लिए लेंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे बनेगा, और वहाँ से एक बहुत ही अच्छी हमको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। थीटा इज इक्वल टू के पी ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी ए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सी एस आई आर नेट के अंदर, देखेंगे, बहुत आई एम पी बात बता रहा हूँ। ये के पी ए, पी ए की पावर यदि 1 अपॉन एम है, यहाँ पर भी पी ए की पावर क्या है, 1 अपॉन एम है। ये एम हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, दिस गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमको यहाँ से पता चल जाती है, यदि m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मीन्स इसको हटा दें हम पहली प्रीवियस कंडीशन पर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक गैस। यदि m इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो बाई एटॉमिक या डाई एटॉमिक एटॉमिक गैस, यदि m इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाती है, एटॉमिसिटी को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इक्वेशन आपको दे देंगे, यहाँ 1/2 लिख दिया, आप बताओ डायएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है कि ट्राईएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है, कैसा है ये गैस, उसको आपको बताना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।